अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है जब हम ग्रुप के अंदर प्रमोशन चलाते हैं बीलअप के हवाले से, कि यार ये बीलअप क्या है, BFIC क्या है, USTB क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे भी कमाई हो रही है नहीं हो रही है, हम क्या करें, किस तरह से ज्वाइन करें। तो इसका तारुफ मैं आपको एक बता दूं कि बी लव या BLV जो है, ये एक एप्लीकेशन है मोबाइल के ऊपर, आप प्ले स्टोर से, आईफोन के iOS स्टोर से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको एक रेफरल की ज़रूरत होती है, तो आप किसी भी अपने जानने वाले का रेफरल यूज़ कर सकते हैं। हमारा रेफरल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो हमारे रेफरल से ज्वाइन करेंगे। जिसके रेफरल से आप ज्वाइन करते हैं तो वो बेसिकली बंदा कंसर्न होता है आपको, और वहाँ पर व्हाट्सएप के, वहाँ एप्लीकेशन के अंदर ही व्हाट्सएप का नंबर उसका शो होता है आपके पास। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन के अंदर से, डायरेक्ट आप उसके पास व्हाट्सएप पर जा सकते हैं अपना मसला सॉल्व करवाने के लिए, या आपके पास नंबर उसका डेफिनेटली QR जो रेफरल कोड ऐड करेंगे उसे आ जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, ये इस्तेमाल करके आप BLV के रिलेटेड कोई भी BFIC भी लव या ऑनलाइन अर्निंग किसी भी हवाले से आपसे मशवरा करना चाहें, या कोई चीज़ देनी देनी परचेज करनी कुछ भी हो तो हम हेल्प आउट करेंगे आपको। तो अब आज का जो मकसद था कि बी लव है क्या, अकाउंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरीके से कमाई होती है, कैसे हम इसको ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं, तो चीज़ों के एडवांस लेवल पर जाने से पहले ना हमें बेसिकली उसकी ना गहराई जानना पड़ती है कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, क्या इसका इसकी बेस क्या थी स्टार्ट में ना। तो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसकी स्टार्टिंग अगर कहें तो 0.0123 इसकी रही है बेस। तो जब ये 0.1 था तो तब लोग 2 रुपये 3 रुपये इसकी नॉर्मल प्राइस थी, PSL जो पाकिस्तान में हुआ तब से ये लॉन्च हुआ हुआ है। तो वसीम अकरम इसका स्पॉन्सर है और डिफरेंट कंपनीज ने इसको प्रमोट करने के लिए बड़ी कोशिशें की। तो अब लोगों ने उस वक्त इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, जिसका नुकसान या जिसका अफसोस कह लें कि उनको आज तक है, और मुझे भी डेफिनेटली, कि हमने जिस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट करना था उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट और हाई पे करने वाला जो है ना एक प्लेटफॉर्म था। तो उस वक्त इसकी जो एक बीलव टोकन की प्राइस थी 2 से 3 रुपये थी, 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये, मैक्सिमम 3 रुपया तक उस वक्त प्राइस थी। तो 3 रुपया जब प्राइस थी तो 1,000 टोकन हमें 3 रुपये 3,000 के मिल जाने थे, जबकि वही टोकन आज हमें 11,000 रुपये के मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप जस्ट सोच सकते हैं कि आपके मोबाइल या कैश में अगर 100 100 मिनट हासिल करने के लिए 3 3 हज़ार रुपये आपने रखे हुए हैं, तो अगर कोई पैसे आप इसमें डाल देते तो 1 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपके वो पैसे 3 हज़ार बढ़कर 11 हज़ार हो चुके होते। अगर आपके पास 1 लाख रुपया होता तो आज बढ़कर वो उसी हिसाब से 5 6 लाख रुपया बन चुका होता, जो कि पैसा पैसे को कमाता है। और ये एक एसेट होता है, एसेट बाय करें, एसेट आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, लेकिन वो एसेट आप कंसल्टेंसी के साथ बाय कर सकते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगा। खुद से अगर ये जो आजकल फेक वेबसाइट आई हुई हैं, 2,000 का पैकेज लगाएं, 10,000 का पैकेज लगाएं, 4 ऐड देखें तो ये पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, उसके अंदर आपको 100% चांसेस हैं कि नुकसान होगा, वो वेबसाइट्स दौड़ जाती हैं। तो बीलव टोकन की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो 3 से अब आज 11 पे आया हुआ है, तो जब परचेज़ करेंगे तो आप 12 11 12 इसी रेशो में आपको मिल रहा होता है। उसके बाद इसी का एक कॉइन है BFIC। BFIC क्या है, ये भी एक इनोवेशन फैक्ट्री का एक कोइन है, जिसकी प्राइस आज $19 है। $19 मतलब ये है कि 5800 5900 6000 इसकी नॉर्मल प्राइस अगर आप क्वांटिटी में लेते हो। और अगर आप रैंडमली 2 4 बाई करते हो तो आपको 5900 से 6000 रुपये 6100 रुपये आपको इसकी प्राइस मिलेगी। और आगे आगे जिस तरीके से बीलव का ही, इनोवेशन फैक्ट्री का ही एक प्रोजेक्ट बुलेटो आ रहा है, तो बुलेटो के आने के बाद ये जो आपको 6000 रुपये का एक BFIC मिल रहा है, यही चला जाएगा आपका 12 15 हज़ार रुपये पे, 20 हज़ार रुपये पे, जितना हम कह सकते हैं उतना कम है। बिकॉज बिटकॉइन की प्राइस हमारे सामने है, कुछ लोग मुझे मिले हैं ऐसे कि कहते थे भाई 200 200 500 500 रुपये, 1000 1000 रुपये के ऊपर भी BTC मिल रहा था, बट आज जो है वो 80 90 91 लाख रुपये का, 81 लाख रुपये का जो है वो BTC हुआ हुआ है। 80 लाख 94 हज़ार कल का रेट था, आज फिर पम्प की है मार्केट ने, तो ये 69,000 US डॉलर पे इसका रेट होके वापस पलट चुका है। तो आगे प्रडिक्शन है कि 1 लाख डॉलर तक
BTC जाएगा। तो सेम यही चीज़ें हैं कि ये क्रिप्टो के अंदर आपको जस्ट पेशेंस होना चाहिए कि आप वो मनी इन्वेस्ट कर दें जो आपके यूज़ में नहीं है। तो इस तरीके से हम कमेटी डालते हैं, कमेटी हमें पता होता है 1 साल बाद निकलेगी। अगर आप वही हर महीने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार इसमें डालते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। तो BLV टोकन और BFIC के बारे में मैंने बता दिया। फिर आता है USDB इज़ सेम लाइक USDT और US डॉलर। तो इन्होंने अपना एक USDB बनाया हुआ है। तो आज अब इन्होंने जो अपडेट दी है 2 तारीख को, तो ये स्टेक के लिए इन्होंने दोबारा लाजमी करार दे दिया कि आपके पास USDB का होना ज़रूरी है। तो USDB बेसिकली इनकी करेंसी है। USDB की प्राइस 100, 120, 110 ये प्राइस रही है इसकी, बट अब आपको ओपन मार्केट में 230, 40, 50 से नीचे नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ BLV, BFIC या BLV टोकन, कोई भी चीज़ आप बाई करना चाहते हैं, USDT हो, क्रिप्टो हो, BTC हो, कोई भी करेंसी अगर आप बाई करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे 03007311224। अब्दुलरहीम, AR ग्रीन अकेडमी। तो आपको हर चीज़ मार्केट से बहुत मुनासिब रेट पे मुहैया कर दी जाएगी। मार्केट से मुनासिब रेट पर इसलिए मुहैया कर दी जाएगी क्योंकि हमारा स्टॉक बल्क में होता है, हम 20, 30, 50 की क्वांटिटी नहीं टेक आउट करते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ एडवांटेज मिल जाता है जिसके बिना पर हम सही रेट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अब एंड पर मैं एक आपको बताता चलूँ, जो लोग जस्ट ये पूछते हैं भाई हमें सिर्फ इतना बताओ फ़ायदा है या नहीं है। भाई फ़ायदा है, फ़ायदा है उस सूरत में जिस सूरत में आप इसको सीरियस लेकर चलेंगे। अगर आपका कोई इरादा नहीं है सीरियस लेकर चलने का तो आपको नुकसान है, चाहे कुछ भी कर लें। प्रॉपर्टी आपने बाई की है, प्रॉपर्टी बाई करके आप रख देते हैं, स्टेक पे लगा देते हैं, किराया दे दिया आपने। अब उस प्रॉपर्टी की हिफाजत उस किराएदार ने करनी है, वो जो मर्ज़ी करे उसके साथ। आपने 2 साल बाद, साल बाद जब उसका एग्रीमेंट ख़त्म होगा उसको उठा देंगे, दूसरा किराएदार रखेंगे या उसी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, तब तक आपको एक नॉर्मल सी अमाउंट आ रही होती है। तो बेसिकली BLV भी यही सीन है इसका कि आप 1,000 टोकन इनके 11,000 रुपये अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो डेली बेसिस पे आपको 12-13, 11-12-13 आपको टोकन मिलते रहेंगे। उन टोकन्स को आप कलेक्ट करते रहें और आप 1 महीने बाद उनको सेल कर दें, ठीक है। जैसे आप उनको सेल करेंगे एक हैंडसम सी अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जबकि आपने जो स्टेकिंग पे लगाए होंगे 11,000 रुपये वो आपके वहीं पड़े रहेंगे। नेक्स्ट मंथ फर्दर फिर आप निकलवा सकते हैं, नेक्स्ट मंथ फिर निकाल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ फिर निकाल सकते हैं। तो आपके पैसे कभी भी असल अमाउंट जो है वो आपकी वहाँ से हिलेगी नहीं, और आपको उसका जो प्रॉफिट है वो आता रहेगा एक हाई रेशो के साथ। वो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा इसके लिए जेनवन सी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही है, समझने वाले के लिए कहते हैं कि इशारा काफ़ी होता है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी प्राइस जस्ट 3 रुपया थी, 0.1, 0.2 USD। तो अब इसकी प्राइस जो है 0.3 USD चल रही है और अन करीब इन फ्यूचर 2-3 दिनों के अंदर 0.05 हो जाएगी। तो 15-16 रुपये इसका रेट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और जब आप परचेज़ करने जाएंगे 16-17-18 से नीचे आपको किसी भी सूरत में ये मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप इसकी जो है पंप करने का, बूस्ट करने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपको बेनिफिट है नहीं है, इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। अमाउंट अपनी वो इन्वेस्ट करें ऑनलाइन किसी भी काम में, किसी भी बिज़नेस में जो आपको तकलीफ़ ना दे, कि यहाँ पर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है तो मुझे साल में 5 साल का टारगेट ना रखें, 6 महीने का रख लेंगे, 6 महीने में मुझे नहीं चाहिए। और बहुत से फ़नी क्लिप आपने देखे होंगे कि मैंने जो है अपना कमेटी निकली 10 लाख रुपये की, कमेटी को जनाब को इस दोस्त ने मशवरा दिया BTC में इन्वेस्ट कर दो, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जब मैंने इन्वेस्ट मार्केट देख मार्केट को पहले मैंने ऑब्जर्व किया, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर जो है वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आने लगी, मैंने सोचा बेच दूँ, मैंने बेच दिया। जैसे बेच दिया पैसे ले लिए, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी, मैंने सोचा फिर इन्वेस्ट कर दूँ, फिर इन्वेस्ट कर दिए। मार्केट जो है वो ऊपर जाती जाती फिर नीचे आने लगी, मैंने सोचा नुकसान होगा फिर निकाल लूँ। तो इस तरह करते 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 एंड में वो दिखाता है मेरे पास अच्छा बचा। तो बेसिकली स्ट्रेटजी होती है। अब आप ये देखें कि वो USBTC जो जस्ट 25-30 हज़ार में, जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया था 25-30 हज़ार रुपये का था या 20 हज़ार रुपये का था, मैं स्कूल पढ़ता था, मुझे वो लोग भी मिले हैं जिन्होंने 2003-04 की बात जो बता रहे थे कि 100 रुपये का मिल रहा था या 200 रुपये का मिल रहा था। तो आप लोग अगर उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 2-2, 3-3 लेकर रख लेते तो आज इस वक्त आप लाखों नहीं तो करोड़ों पति ज़रूर होते। तो अब आपको लंबे लंबे ख्वाब दिखाना बिल्कुल मकसूद नहीं है। अमाउंट वो अपनी इन्वेस्ट करें जो आपके किसी काम की नहीं है, या एक अमाउंट पैसे रुपया रुपया काम का होता है, बट जिस तरह जैस कैश में आप 3,000 रख देते हैं 100 मिनट आएंगी, आप पैकेज भी लगा सकते हैं बड़ा करने के लिए। आपको
पैसों का पैकेज लगा सकते हैं और ये पैसे आपने इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसका अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। फर्दर किसी किस्म की कोई भी मालूमात चाहिए होती है, कोई चीज़ पूछनी है, समझनी है, बतानी है, तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और हर चीज़ आपको बराबर तसली के साथ समझाई जाएगी। वीडियो के अंदर आपको मोबाइल नंबर बता दिया गया है, इन आखिर आपको दोबारा बता देता हूँ, 03007311224, अब्दुलरहीम AR ग्रीन अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।